हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बंगाली रसगुल्ला की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी एंड स्पॉन्जी रसगुल्ला बनकर तैयार होते हैं, और जो भी ट्रिक एंड टिप्स मैं आपको बताऊंगी आप उसे फॉलो कीजिए और आप बहुत ही टेस्टी सिंपल तरीके से ये स्पॉन्जी रसगुल्ला घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रसगुल्ला बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे चाशनी। चाशनी के लिए आप एक पैन में डालें 4 कप जितना पानी, और उसके साथ साथ डाल दें 1 कप जितनी चीनी। रेशियो का आप ध्यान रखें, और चीनी को आप लगातार इस तरह से हिलाते हुए मेल्ट कर लें। अब हम इसमें डाल रहे हैं 2 छोटी हरी इलायची और थोड़ा सा केवड़ा एसेंस। इससे जो रसगुल्ले हैं उनमें बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर और फ्रेग्रेंस आ जाती है। और यहाँ पर हमने लिया है छेना घर का बना हुआ, और ये आपको किस तरह बनाना है इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इसका लिंक मैं आपसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, या फिर ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप रेसिपी देख सकते हैं। इससे पहले मैं आपके साथ रसमलाई की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। और यहाँ पर आपको क्या करना है, ये इस तरह से हथेली से इस छेना को मसल मसल कर आपको चिकना करना है। करीब 5 से 6 मिनट के लिए आप इसे इस तरह से मैश कर लें, और जब ये ऑयल रिलीज़ करने लगेगा, घी रिलीज़ करने लगेगा, तो इट मीन्स आपको अब और मैश करने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से आप छोटे छोटे बॉल्स बनाकर तैयार कर लें, जिस भी साइज़ के आप लाइक करते हैं। और फ्रेंड्स, आपने देखा इसमें हमने कोई सोडा, मैदा या कॉर्नफ्लावर नहीं मिलाया है, सिर्फ छेना से आज हम ये टेस्टी स्पॉन्जी रसगुल्ला बनाकर तैयार करेंगे। और ये देखिए, यहाँ पर चाशनी में उबाल आ गया है, और आपने जो बॉल्स बनाए हैं इसे आप 1 by 1 करके उबलती हुई चाशनी में डाल दें। बस इस बात का आप ध्यान रखें कि चाशनी में उबाल ज़रूर आना चाहिए, गैस की जो फ्लेम है आप वो हाई रखें। ये देखिए फ्रेंड्स, 1 by 1 करके हमने सारे छेना बॉल्स चाशनी में डाल दिए। और आपको क्या करना है, इसे हाई फ्लेम पर बिना ढके 2 मिनट के लिए पकाना है, और उसके बाद आप इसे ढक दें, और हाई फ्लेम पर ही आप इसे करीब 5 मिनट के लिए पकाएं। टाइम और टेम्परेचर का आप ज़रूर ध्यान रखें, और ये आप देख सकते हैं ढककर हम इन्हें 5 मिनट के लिए पका रहे हैं, साइज़ कितना इंक्रीज़ हो गया है। एक बार आप स्पैचुला की हेल्प से इन्हें फ्लिप कर दें, बहुत ही स्पॉन्जी और सॉफ्ट रसगुल्ले हमारे बनकर तैयार होंगे। पाँच मिनट के बाद आप इसके ऊपर से ढक्कन हटा दें, और इसे मीडियम हाई फ्लेम पर 3 मिनट के लिए पकाएं। साइज़ आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। और आपको क्या करना है, एक बोल में आप डालें थोड़े से आइस की, और इसके अंदर आप ठंडा पानी डालें। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि आप इसमें चेक कीजिए कि आपके जो रसगुल्ले हैं वो अच्छे से पके हैं या नहीं। इसके लिए आप ठंडे पानी में ये स्पॉन्जी रसगुल्ला आप डालें। अगर ये डूब जाते हैं तो इट मीन्स रसगुल्ला बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुआ है, परफेक्टली कुक हो चुका है। और ये मैंने आपको चेक करके बताया है। और आप थोड़ी देर के लिए इन्हें 5 मिनट के लिए ठंडे पानी में इस तरह से डाल कर रखें, ताकि जो कुकिंग प्रोसेस है वो वहीं के वहीं रुक जाए, और रसगुल्लों में सॉफ्टनेस रहेगी, स्पॉन्जनेस रहेगा, और उनका शेप भी इसी तरह रहेगा। और ये चाशनी को हमने एक बोल में निकाल लिया है, ये थोड़ी ठंडी हो चुकी है। 5 मिनट के बाद आप ये सारे के सारे जो रसगुल्ले हैं उन्हें ठंडे पानी में से निकाल कर बोल में डाल दें। फ्रेंड्स, सॉफ्टनेस आप देख सकते हैं, स्पॉन्ज आप देख सकते हैं कितना बढ़िया है, एकदम मार्केट जैसा। जैसा मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं आप उसी तरह से फॉलो कीजिए, और ये टेस्टी बंगाली रसगुल्ला बनाकर तैयार कर सकते हैं। और ये देखिए, हमने सारे रसगुल्ले ठंडे पानी से निचोड़ कर बोल में डाल लिए, और अब आप क्या करें, चाशनी में डुबो कर इन्हें आप 8 से 9 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, ताकि चाशनी इनके अंदर अच्छे से चली जाए, और बहुत ही टेस्टी रसगुल्ले बनकर तैयार होंगे। उसके बाद आप इसे गार्निश कर दें पिस्ता और केसर के साथ। तो फ्रेंड्स, आपने देखा आज हमने कितने सिंपल तरीके से सॉफ्ट बंगाली रसगुल्ले बनाकर तैयार किए हैं, और ये मैं आपको कट करके दिखाने वाली हूँ। स्पॉन्ज आप देख सकते हैं, इसके अंदर कट करने के बाद जो आपको जाली दिखाई दे रही है ये आनी बहुत ज़रूरी है।
देखिए स्पॉन्ज कितना अच्छा आया है, जालीदार रसगुल्ले बनकर तैयार हुए हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती तो प्लीज़ इसे फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा एंड नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी। बाय बाय।